हम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं और ये खबर पाकिस्तान के तालीमी इदारों में सर्दी की छुट्टियों के हवाले से है। आपको बताते चलें, पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर आज एजुकेशन मिनिस्ट्री और एजुकेशन डिपार्टमेंट के दरमियान एक बड़ी बैठक हुई, जिसके अंदर ये फैसले होना करार पाए थे कि पाकिस्तान के तालीमी इदारों में सर्दी की छुट्टियों का ऐलान कब किया जाए। आपको बताते चलें, इस मीटिंग के जितने भी फैसले हैं उनके मुतल्लिक जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना करार पाई है, एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग 6:30 बजे के बाद किसी भी वक्त ये फैसला देने के लिए मीडिया के ऊपर आ सकते हैं और उनकी जो अनाउंसमेंट होगी वो ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी। लेकिन आपको बताते चलें, इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद साहब की तरफ से एक ट्वीट जो है वो मंजर पर आ गया है और आपको ये स्क्रीन के ऊपर भी नज़र आ रहा है। इस ट्वीट के मुताबिक ये कहा गया है कि 24 दिसंबर से लेकर 10 जनवरी तक सर्दी की छुट्टियों का ऐलान किया गया है। लेकिन आपको बताते चलें कि ये जो ट्वीट है ये रियल नहीं है, शफकत महमूद साहब की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर ये ट्वीट मौजूद नहीं है। जैसे ही इस हवाले से फाइनल कोई नोटिफिकेशन आया या कोई अनाउंसमेंट हुई तो आपको आगाह कर दिया जाएगा।